हेलो एवरीवन, प्यारे देवी और सज्जनों, आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। रोज़मर्रा की तरह कुछ खास नहीं, लेकिन आज फिर मैं अपने ही शहर में हूँ और आज आपको शहर नहीं लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा जापान के मंदिर। यहाँ एक्चुअली में अगर इंग्लिश में कहा जाए तो मंदिर को टेंपल बोला जाता है, लेकिन ये अपने मंदिरों को टेंपल नहीं, श्राइन के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो है जापानीज़ मंदिर या श्राइन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इनके मंदिर कैसे होते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये काफ़ी पुराना है। ये एक करीबन 24 साल पुराना श्राइन है या मंदिर। मैं इस वीडियो में इसको मंदिर ही कहूँगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा श्राइन और मंदिर के बीच। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ट्रेडिशनल जापानी स्टाइल के तरीके से बना है, और ज़्यादातर जापान में जितने भी मंदिर होते हैं ऑरेंज या लिटिल बिट डार्क ऑरेंज कलर के होते हैं, और इनकी एंट्री ज़्यादातर किसी ना किसी ब्रिज के रूप में होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उल्टी तरफ एंट्री की, और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिज से लोग इस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर से आपको एक बार मंदिर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। तो ये है मेन टेंपल या मंदिर यहाँ का, और जैसा कि हर एक कंट्री में अलग अलग रिवाज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, तो जापान में जब भी आप किसी मंदिर में आएंगे आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो कि हाथ धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर यहाँ कुछ हैंडल्स रखे गए होते थे, लेकिन कोविड के कारण वो हटा दिए गए हैं। तो आप हाथ धोने के बाद जापान के इस मंदिर में एंटर कर सकते हैं। जापान में किसी भी आप मंदिर में जाएं तो यहाँ जूते उतारने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। आप जूतों के साथ ही मंदिर में एग्ज़िट या एंटर कर सकते हैं। तो इस समय हम एंटर हो चुके हैं अपने शहर के मशहूर मंदिर में, जिसका नाम है हिकावा जिंजा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2400 साल पुराना मंदिर है, लेकिन लास्ट बार इसकी रिफॉर्म जो हुई थी वो 1940 में हुई थी। अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो ये 473 BC यानी कि 473 बिफोर क्राइस्ट के समय बनाया गया था, और जापान के टॉप 10 मंदिरों में आता है। तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का स्ट्रक्चर। यहाँ लगे हुए हैं पुराने पुराने पेड़, और ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस जो काफ़ी खूबसूरत है। शायद आपको कुछ चाइनीज़ मूवीज़ की याद दिला रही होगी, क्योंकि चाइना में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर के रूप में बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मंदिर बनाए जाते थे। तो मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये हैं अलग अलग शॉप्स जहां से आप प्रसाद या चढ़ावे के लिए जो भी आपकी मन्नत हो ले सकते हैं। लोग यहां से लकी चार्म्स भी लेके जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दुआएं मांगने आते हैं, जैसा कि हम लोग भी अपने देशों में करते हैं। अगर आपको राइट साइड में दिखाऊं तो यहाँ एक और दो स्टैंड्स आपको दिखेंगे जिन पे काफ़ी कलरफुल चीज़ें लगी हुई हैं। जो लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं वो मंदिर से ये चीज़ें खरीदते हैं और इन स्टॉल्स पे टांग देते हैं। तो इंडिया की तरह जापान में भी लोग काफ़ी धार्मिक है, और जापान में ज़्यादातर
जो धर्म फॉलो किया जाता है वो है शिंतोइज्म, जो कि बुद्धिज्म से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ मंदिरों में इंडिया की तरह अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। यहाँ भी लोग माथा टेकते हैं मंदिर में आकर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है वो मेन बिल्डिंग जहाँ लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग लाइन में लगे हैं, खड़े हैं, गोलक बनी हुई है, उसमें सिक्का डालते हैं, दो बार ताली बजाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपनी प्रेयर या जो भी मन्नत मांगनी है मांगेंगे, फिर झुक के वापस मंदिर से बाहर आ जाएंगे। तो ये है जापान के मंदिर की कुछ झलक। आज वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था कि जापान के मंदिर कैसे होते हैं। किसी दिन और जब यहाँ कुछ स्पेशल इवेंट हुआ तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको इनके धर्म, इनकी फॉलोइंग के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको मंदिर के बाहर कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ बहुत अच्छे गार्डन्स होते हैं, ट्रेडिशनल जापनीज गार्डन। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले देखते हैं एक छोटी सी झलक ट्रेडिशनल स्टाइल जापनीज गार्डन की। इस समय मैं जापनीज के श्राइन के बिल्कुल बाहर हूँ और ज़्यादातर यहाँ पर जो भी जापनीज श्राइन्स होती हैं आपको एक ट्रेडिशनल गार्डन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ट्रेडिशनल गार्डन कैसा होता है। तो ये है एक छोटा सा जापनीज ट्रेडिशनल गार्डन जो मंदिर या जैसा कि मैंने आपको बताया श्राइन के बिल्कुल बाहर है। तो इसी तरफ है इसकी एग्जिट और एंट्रेंस, लेकिन कोविड के कारण हम इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सुंदर होते हैं जापनीज ट्रेडिशनल गार्डन। यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ और फूल देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादातर इन्होंने कुछ मैनमेड लेक्स या छोटे छोटे तालाब बनाए होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अब कोरोना चल रहा है तो ज़्यादातर यहाँ के पार्क्स में एंट्री बैन है। तो मैं आपको पार्क के अंदर का सीन नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो और ये पार्क्स और ये गार्डन दोबारा खुलें आपको एक वीडियो में ज़रूर इनकी झलक दिखाऊंगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको क्या महसूस हुआ जापान के मंदिर या श्राइन देख के? आपको इंडिया के कल्चर से क्या चीज़ अलग लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, फिर से मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा। सायोनारा, बाय बाय।